أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين جی ہم چیپٹر سکس کے ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے تھے کچھ ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کچھ ایم سی کیوز اب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 23 MCQs से स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज अ फॉल इन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी. इनमें से कौन सी रीजन ऐसी है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड का फॉल कर जाता है. एग्रीगेट डिमांड का क्या कर जाए, फॉल कर जाए. इम्पोर्ट्स के कम होने से एग्रीगेट डिमांड का राइज करता है, फॉल नहीं करता. ठीक हो गया जी. अच्छा, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव, नहीं ये तो नहीं हमने पढ़ा. अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का फॉल कर जाएगा. सही हो गया. अच्छा, प्रोपेंसिटी टू सेव, आपको पता है ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर हम सेविंग कम करते हैं तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है और कंजम्पशन के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड का राइज करता है. ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. 6.23 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी बात कैन नॉट कस, नहीं कर सकता शिफ्ट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब को शिफ्ट, जिसकी वजह से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब शिफ्ट नहीं होता. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाए तो एग्रीगेट सप्लाई कब राइज कर जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से फॉल कर जाता है. डायरेक्ट टैक्सेस का इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड पे होता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब पे नहीं होता. और सब्सिडी अगर बढ़ जाए तो ये राइज करेगा और अगर कम हो जाए तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल करेगा. तो ये सी 40 ऑप्शन है. इसके बाद बचे नेक्स्ट वन एमसीक्यूज 25. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे कितना आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो ये ए ऑप्शन ही ठीक लग रही है, बाकी ऑप्शन नहीं है. टोटल लेबर सप्लाई भी नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और टैक्सेस भी नहीं है, टोटल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता. जी बच्चे नेक्स्ट वन 26 एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज शिफ्ट इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, नहीं कर सकता शिफ्ट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का. न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, जी बिल्कुल हो सकता है. इम्प्रूवमेंट इन लेबर स्किल्स, बिल्कुल हो सकता है. प्राइस लेवल की वजह से शिफ्टिंग नहीं होती, याद है ना आपको, प्राइस लेवल की वजह से शिफ्टिंग नहीं होती. नेचुरल रिसोर्सेज ने मिल जाने की वजह से भी शिफ्टिंग हो सकती है. केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कब हमेशा, केन्जियन का जो एग्रीगेट सप्लाई कब होगा वो कैसा होगा तो आपको पता ही है. केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कब, जी हम बना के देख भी लेते हैं. एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, y-axis के अलोंग प्राइस लेवल और x-axis के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट. होता ना एग्रीगेट सप्लाई का केन्जियन का. अच्छा, इस एरिया को हम कहते हैं फ्लैटर है और ये कहलाता है वर्टिकल. फ्लैटर कब तक होगा, जब तक स्पेयर कैपेसिटी होगी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी.
और वर्टिकल कब हो जाएगा, जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें से कौन सी ऑप्शन, हॉरिजेंटल फ्लैटर, वर्टिकल आफ्टर फुल इंप्लॉयमेंट, सी चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी, उसे आउटपुट गैप कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी इज कॉल्ड आउटपुट गैप, और ये तो उसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, जीडीपी डिफ्लेटर रेशियो होती है, किसकी रेशियो है, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, याद है ना, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर रेशियो होती है किसकी, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, उसकी रेशियो को कहते हैं। ठीक है जी, ये चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अगर गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते तो अपने बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल एंड आउटपुट लेवल। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व के राइज करने की वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, आउटपुट लेवल भी बढ़ जाएगा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब नहीं बनाऊंगा, अगर एग्रीगेट डिमांड का प्राइस कर जाए एडी से एडी पर तो क्या इफेक्ट हुआ, है ना, आउटपुट लेवल बढ़ा और साथ ही साथ प्राइस लेवल भी बढ़ गया, तो दोनों प्राइस लेवल भी बढ़ा आउटपुट लेवल भी बढ़ा और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर, तो बोथ इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज कर सकते, बात समझ आ गई है जी। जी नेक्स्ट। अच्छा जी बच्चे, अगर बच्चे वेज रेट इन इकोनॉमी इंक्रीज कर जाए तो प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होगा, अगर वेज रेट इन इकोनॉमी इंक्रीज कर जाए सप्लाई का फॉल कर जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा, उसके फॉल करने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब नहीं बना रहा हूँ, मैंने बना के बता दिया है आपको, पता है ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये वाई मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब फॉल कर जाए तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब के फॉल करने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, अब देखिए आउटपुट लेवल कम हो गया और प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया ना, तो क्या होगा, अगर वेज रेट बढ़ेगी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और वेज रेट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और वेज रेट दोनों इंक्रीज कर जाए सेम प्रोपोर्शन तो क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड कब राइज करे और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करे, क्योंकि देखें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा, वेज रेट बढ़ेगा तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा, ये है सिचुएशन। सक्सेस ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस प्राइस लेवल और आउटपुट लेवल, एग्रीगेट डिमांड कर, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, लॉन्ग रन का कब मैंने बना दिया है,
सॉरी ये वाई मैक्स मैंने गलती से लिख दिया। ठीक हो गया जी बच्चे, ये कर्व अभी सिचुएशन में क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करे, सेम प्रोपोर्शंस, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया। अच्छा अब साथ ही साथ शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करे, ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर। अब इस सिचुएशन में इफेक्ट क्या हुआ, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस लेवल बढ़ गया। ठीक है जी, आउटपुट में चेंज नहीं आया लेकिन क्या चेंज हो गया, प्राइस लेवल। तो कौन सी चीज, नो चेंज इन आउटपुट, सेकंड वन, एक बात ये ठीक है, ये ठीक हो गया जी। और दूसरी बात, प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, ये भी बात ठीक है। तो टू एंड थ्री डेल्टा ऑप्शन। बात समझ आई है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी यहां तक जी। नेक्स्ट, डिफ्लेशनरी गैप कैन बी रिड्यूसेस बाय, डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो आउटपुट लेवल बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा तो उससे डिक्रीज हो जाएगा, ये बात तो ठीक है, ये बात सही। ठीक हो गया, इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इससे भी एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये भी बात ठीक है। डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, इससे गैप और ज्यादा वाइडन हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा, आउटपुट मजीद कम हो जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है। इंक्रीज इन सब्सिडी, इससे शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का राइज कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप में वही एग्रीगेट डिमांड कब एक्सीड करना, तो एग्रीगेट डिमांड कब एक्सीड करेगा, ए ऑप्शन वन एंड टू के लिए। अच्छा बच्चे, अगर एग्रीगेट डिमांड कब बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ जाए, जैसे हमने अभी डायग्राम बनाकर दोबारा से दो दफा मैंने आपको रेफर किया, अगर एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। शाबाश, इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं और इसको पॉजिटिव आउटपुट गैप भी बोलते हैं, तो ये दोनों नाम इसके ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप भी है, डिफ्लेशनरी नहीं कहते, आइडियल इक्विलिब्रियम भी नहीं कहते, और ये पॉजिटिव भी कहते हैं। वन एंड फोर, तो वन एंड फोर ऑप्शन है जी, ये वन एंड फोर बीटा ऑप्शन सही हो गया, तो ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये सिर्फ बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद बच्चे, कंटिन्यूअस और मुसलसल राइज इन जनरल प्राइस लेवल, मुसलसल अगर प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मुसलसल लगातार चीजों की कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है जी, अब ये भी याद रखिएगा, मुसलसल लगातार चीजों की कीमतों का कम होना डिफ्लेशन कहलाती है। अच्छा जी बच्चे, अब फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन का रेट फॉल होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेशन का रेट कम होना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। एक होता है चीजों की कीमतों का कम होना, वो डिफ्लेशन कहलाती है, अगर इसका रेट कम होना शुरू हो जाए तो इसे कहते हैं डिस इन्फ्लेशन, याद रखना ये बात। अच्छा जी बच्चे, मुसलसल परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। वेयर एज अ पर्टिकुलर सिचुएशन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, वेयर ओनली प्राइस लेवल इंक्रीज, जिसमें सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, उस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये 6.37। अच्छा, केन्स का बिलीव है कि इकोनॉमी जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे पहुंच जाती है, एग्रीगेट सप्लाई का विल बी वर्टिकल, क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। अभी हमने ये कर्व बना के देखा ना, हाउएवर द इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब अभी स्पेयर कैपेसिटी है, अभी क्या मौजूद है, स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, तो ये क्या कहलाता है, स्पेयर कैपेसिटी मौजूद हो तो हॉरिजेंटल, या इसे फ्लैटर बोलते हैं, ये हॉरिजेंटल होगा,
या इसे फ्लैटर बोलते हैं। अब हॉरिजेंटल का वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है जी बच्चे। जी नेक्स्ट, ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इन द अबव डायग्राम एग्रीगेट डिमांड कर्व्स शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया, ये टुवर्ड्स राइट पर शिफ्ट कर गया। एज अ रिजल्ट प्राइस लेवल एंड आउटपुट बोथ इंक्रीज, प्राइस लेवल भी बढ़ गया, आउटपुट लेवल भी बढ़ गया। व्हाट इज द कॉज ऑफ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व के शिफ्ट की क्या वजह हो सकती है, ठीक है जी। इंक्रीज इन वेज रेट, नहीं, इससे तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कब चेंज होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, बिल्कुल ठीक, जी ऑप्शन। आपको पता है ना एग्रीगेट डिमांड कर्व के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इन कंपोनेंट्स में से किसी भी कंपोनेंट में चेंज आ जाए एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज या फॉल कर जाए, ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे नेक्स्ट वन, लास्ट वन 40, पाकिस्तान की इकोनॉमी आफ्टर COVID-19 किन सिचुएशन को फेस कर रही है। पाकिस्तान तो रिसेशन को फेस कर रहा है, डिफ्लेशनरी गैप है और रिसेशनरी गैप है, बिल्कुल ठीक है जी, ये ए ऑप्शन, ठीक है जी। जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई, किसी बात की समझ ना आई, तो आप मेरे से ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हो। अल्लाह ताला आपका हम नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानकल्लाहुम्मा वा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वा अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।